प्रिय मित्रों, आज मैं भारत से संबंधित और राष्ट्र ध्वज से संबंधित आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो पहला सवाल मैंने ये लिया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने किया था, तो उसका डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया ने। और आपको बता दें कि पहले यहाँ जब चक्र था, चक्र के पहले वहाँ राष्ट्रीय ध्वज में चरखा रहा करता था, बाद में वहाँ पे अशोक चक्र लिया गया जिस और उसकी डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया ने। दूसरा, एक राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के पहले कौन सा प्रतीक था, जैसा मैंने बताया आपको, तो प्रतीक था चरखा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2 होता है। अगर कभी सवाल में पूछे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो ये उलट जाता है, 2:3 हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज किस सन में अपनाया गया, तो ये 1947 में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीली होती है, तो 24 तीली होती है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे सफेद रंग किसका प्रतीक है या सूचक है, तो ये सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्व पर कहाँ फहराया जाता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले पर फहराते हैं। राष्ट्रीय सूत्र भारत अपने देश का क्या है, तो सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय अभिवादन जो है हमारे देश का है, नमस्ते। थैंक यू।